सो वेलकम बैक गाइज, आ चुके हैं एक दफ़ा फिर से। और वंस अगेन जो मेरे से गलती हो पेश हो जाती है, मैं फिर से मैंने अभी खान करना था। टीम क्वालिटी के खान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, वन ऑफ द बेस्ट IGL फ्रॉम पाकिस्तान। मैं भाई खुद मैं क्या बोले कि काफ़ी प्लेयर्स खान को देख के गेम खेलते होंगे, और ऑफ कोर्स ये जानना चाह रहे होंगे कि खान ऐसा क्या करता है अपनी टीम को लेके, ऐसी कैसे रोटेशन कर लेता है, ऐसी इतनी अच्छी गेम। वो कहते हैं ना, एक ऐसी गेम को विन करना जो इम्पॉसिबल हो जाती है, और खान उस गेम को लेके आगे बढ़ जाता है। तो हम पहले सबसे पहले वेलकम करके खान को, और खान से ये पूछेंगे भी कि भी लैन इवेंट कैसा लगा उनको। नो डाउट काफ़ी गलतियां थी बीच में, बट स्टिल अगर एक गैदरिंग का माहौल की अगर बात की जाए, उसके लिहाज से अगर बात की जाए, तो लैन इवेंट का उससे ही पूछेंगे, और टिप्स भी लेंगे जो हमारे अपकमिंग जितनी भी नई टीमें आ रही हैं इस कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी कम्युनिटी बहुत तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट हो चुकी है। वेलकम खान ऑन द स्ट्रीट। हेलो गाइस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो खान आप बताएं कि भी मैचेस को लेके आप कितने पैशनेट हैं, और आगे आपके क्या प्लान्स हैं टीम क्वालिटी को लेके? नहीं, मैचेस तो हम हमेशा मैचेस का ही वेट कर रहे होते हैं। हम तो वेट कर रहे होते हैं किसी तरह कोई टूर्नामेंट आए तो हम कंपीट करें। टीम हम मेरी को बस कंपटीशन का शौक है, हम वेट कर रहे होते हैं। अभी टीम क्वालिटी के साथ ही हम आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पुरानी टीम है हम लोग, वो शुरू से ही साथ हैं, तो इंशाल्लाह आप आगे भी साथ ही रहेंगे। इंशाल्लाह, एंड नो डाउट टीम्स जितनी भी रहने वाली हैं और ये चीज़ भी देखती होती हैं, और ये चीज़ काफ़ी अब हो चुकी है कि भी पाकिस्तान के बेस्ट IGLs को भी नोट करना, उसकी गेम प्ले को नोट करना, उसका उसकी रोटेशंस को नोट करना। पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। एंड एंड इफ आई एम टेलिंग यू गाइज, थोड़ा सा खान को मैं थोड़ा सा जानता भी हूँ, एंड खान इज़ द गाय जो कि भी हर चीज़ की स्टडी करके रखता है। हर मतलब कि आपने ये चीज़ें सुनी होंगी पहले भी कि एक प्रॉपर पेपर वर्क होता है, उसके बाद हर मैच से पहले एक प्रॉपर रोटेशंस डिसाइड की जाती है कि हमने कैसे कैसे इस गेम को विन करना है। और वो चीज़ें का एक ऐसे भी ये भी बात मैंने बोली थी कि खान से ये पूछेंगे ज़रूर कि यार इतनी इतनी अच्छी भाई गेम, मतलब कि गेम सेंस, मतलब कि कैसे कर लेते हैं। एंड आई नो दैट कि खान इज़ नॉट द गाय जो कि डायरेक्ट पबजी के ऊपर आया, एंड खान इज़ द चैम्पियन ऑफ डोटा 2 एज वेल। पाकिस्तान में अगर बात की जाए डोटा 2 को लेके, तो डोटा 2 पबजी से पहले डोटा 2 के भी चैंपियन रह चुके हैं। गेमिंग का एक लंबा रिलेशन जो है ना, वो खान की जिंदगी से ना जुड़ा हुआ। क्या कहेंगे खान डोटा 2 को लेके एंड पबजी को लेके? बट आई नो पबजी इज लाइक राइट नाउ काफी जबरदस्त, आपने नाम बना लिया माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे, और इसी तरह आप और भी इस तरह के पाकिस्तान का नाम जो है और आगे लेके जाते रहे। यहाँ पबजी का तो ये है कि कम्युनिटी में अब काफी ग्रो हो चुकी है। अब जितनी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तानीज को मिल रहे हैं, तो अब टीम्स भी उसी लिहाज से मेहनत कर रही हैं और अपना जो है ना हर कोई बेस्ट दे रहा है। तो ऐसे ऐसे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो जो जो कंपटीशन बढ़ता है आपको फिर खेलने का भी मजा आता है, आपको कम्पीट करने का और मजा आता है। फिर इस तरह इन जनरल जो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स का सीन है वो भी इसी तरह ग्रो करेगा। प्रीटी श्योर कि ये जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज अभी मिल रही है, जिस तरह लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो प्लेयर्स अपना टाइम वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये है कि आगे जाएगा इनशाला। इंशाल्लाह। एंड व्हाट अबाउट द लैन इवेंट? लैन इवेंट पे आप आए, मतलब कि कैसा, मतलब कि भी एनवायरनमेंट, ई स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आपको पता है कोविड का जो सिलसिला चल रहा जी था, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इस तरह का एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह का इनिशिएटिव लेना, मतलब व्हाट वही ना, यू एक 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 इनिशिएटिव लेना, वो भी इस तरह की सिचुएशंस में जब कोरोना से हर चीज बंद रही थी, सब कुछ हुआ था, प्लेयर्स इतना आइसोलेट थे, तो उस लिहाज से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये प्लेयर्स के लिए कि आपस में वो मिल भी सके, कम्युनिटी आपस में मिलेगी। तो जितना मुझे ये होता है कि लैंड टूर्नामेंट जितने होंगे, मीटअप्स होंगे, तो अगर कोई कोई कंट्रोवर्सी या हेट्स वगैरह चल रही होती है तो वो भी इन मीटअप्स की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से भी काफी ये इवेंट अच्छा था, काफी प्लेयर्स मीटअप भी थे, मैनेजमेंट भी काफी अच्छी थी। बाकी इंटरनेट के फकअप्स तो होते रहते हैं ऊपर नीचे, वो खैर है। ये चीज़ तो मतलब कि भी हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। हम आ चुके हैं एक एक ऐसे बंदे को लेके, मतलब कि जो एक एक शाइनिंग स्टार पाकिस्तान का, एक नाम जो है ना, एक और सितारा, मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ। दिस इज़ द गाय जो डिस्ट्रॉयर ई स्पोर्ट्स का एक मेन मेन शाइनिंग स्टार रहने वाला है, और एवरी वन नो हिम, DES मिथ के नाम से इसकी गेमिंग आईडी रहने वाली है। एंड भाई क्या ज़बरदस्त किस्म की गेम रहने वाली है इस लड़के की भाई, सबके वो कहते हैं ना, एक सबको सब जानते हैं इस लड़के को कि यार के एक एक नाम देने वाला भाई, प्रॉपर जिस मेहनत रहती है इस टीम के, हर प्लेयर की मेहनत रहती है, बट दी मेन पावर डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय स्पोर्ट्स की, वो है मिथ। तो मिथ अस्सलाम वालेकुम, क्या
क्या हाल है वालेकुम सलाम, और भी आपका शुक्र। थोड़ी थोड़ी दो तीन चीज़ें भी पूछेंगे आपसे। लैन इवेंट और कैसा रहा, भी प्लेयर्स से आप मिले, डिफरेंट प्लेयर्स के साथ मिले, और इस इवेंट को लेके कितना एक्साइटेड है, अभी जो परफॉर्मेंस आपकी जारी कर राइट नाउ उसको लेके अभी आगे आपकी क्या प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह लैन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था हमारा। लाइक न्यू न्यू कम्युनिटी से इंट्रैक्शन हुई थी, अच्छे अच्छे लोग काफ़ी कम्युनिटी के मिले, लाइक अपने ई स्पोर्ट्स वाले वगैरह हो गए, अपने कंपेटिटिव प्लेयर्स पहली दफ़ा मिले, इन्जॉय काफ़ी किया और माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल निमट था। परफॉर्मेंस ऐसी जा रही थी, थोड़ा बहुत इशू हुआ था लाइक इंटरनेट का ओवर ऑल ओवर पाकिस्तान में होता, बट मतलब अदर देन दैट आप ये बोले कि जो इन्जॉयमेंट थी ना वो फुल की हमने। बिल्कुल, लाइक एक इसमें कुछ से कोई लैन में लाइक एक मतलब एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा प्रेशर का, अंडर प्रेशर टीम्स खेलती हैं, लाइक एक कंफर्ट जोन से बाहर रह के खेलना इन बिटवीन ऑडियंस, सो दैट वाज अमेजिंग। बिल्कुल नो डाउट, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन पेपर भी आ चुकी हैं, और इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतर आपको आगे भी इस तरह के लाइन इवेंट मिलते रहेंगे, और ऑफ कोर्स हमें देख के लाइक बिफोर की जो इस मेहनत को देख के बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस भी लैन इवेंट की तरफ जाना चाह रही हैं और वो भी करवाना चाह रही हैं, जरूर विच इज़ बिल्कुल गुड, और ये मतलब कि भी प्लेयर के लिए काफ़ी अच्छी बात है जो कि ई स्पोर्ट्स का जो माहौल जो एक बनता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, विच इज़ वेरी गुड, भी प्लेयर्स भी वैल्यूएबल बन रहे हैं और काफ़ी अच्छे क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम भी इससे लोग काफ़ी जनरेट कर रहे हैं, तो विच इज़ गुड, और भाई एक अच्छा सा मैसेज फ्रॉम द कम्युनिटी, गेमिंग कम्युनिटी, क्योंकि एक एक ऐसी टीम मतलब कि भी जिसने काफ़ी मेहनत करके अपना नाम बनाया, क्या और भी कोई टीम इस तरह का मेहनत करके इस तरह का नाम बना सकती है, और एक उसके बाद कम्युनिटी के लिए एक छोटा सा मैसेज एंड उसके बाद हम एक नए मैच की तरफ जाएंगे। अंडरडॉग्स के लिए, मतलब हर टीम के लिए मैसेज यही है कि आप सबसे पहले अपनी लाइक उम्मीद ना छोड़ें, जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आप मेहनत करते रहें, अल्लाह ज़रूर मतलब मेहनत का फल देता है, आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। बस कीप पॉजिटिव, नेगेटिविटी को अवॉइड करें, बस कीप प्रैक्टिसिंग। और कम्युनिटी के लिए मैसेज ये है कि माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी अच्छी ग्रो कर रही है, तो अगर पॉजिटिविटी आती रही इसी तरह लाइक जैसे इवेंट्स वगैरह आ रहे हैं माशाल्लाह, लैन इवेंट्स स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली एक्सपोजर मिलेगा स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही, और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज मैं भी कहता चलूं कि भी अगर आप दूसरों की छोटी छोटी खुशियों पे ताली बजाना सीख लेना तो बिल्कुल वो दिन दूर नहीं कि आप आपके लिए भी कोई ताली बजा रहा होगा, अगर दूसरों पे उंगलियां उठाना स्टार्ट कर देंगे वो दिन दूर नहीं कि आप पे भी कोई उंगली उठाता नजर आएगा, इस छोटे से मैसेज को ज़रूर दिल पे लीजिएगा और इस कम्युनिटी को भी एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनाए, भी अच्छे अच्छे मैसेज करें, टीम्स को अप्रिशिएट करें, छोटे से छोटे प्लेयर को भी उसी तरह अप्रिशिएट करें जिस तरह आप बड़े प्लेयर को करते हैं, नो डाउट बड़े प्लेयर्स को अप्रिशिएट करना इज़ लाइक मोर गुड थिंग कि वो एक बड़े लेवल पे टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अगर वो छोटे प्लेयर को भी आप उसी दिल से अप्रिशिएट करेंगे तो वो भी छोटा प्लेयर एक दिन बड़े प्लेयर की जगह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा होगा, तो सी यू गाइस आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। सो द मेन मोटिव वाज के यार के यार शायद मैं मेहनत जो कर रहा हूँ, ये जो लैन इवेंट करा रहा हूँ, बेसिकली इसका जो मेन मोटिव वो ये था कि यार एक क्वेश्चन रेज किया जाए। मैंने करवा लिया, ठीक है। बी4 का एक बंदा जिसका कोई इतना आउटपुट नहीं है, जिसने कम्युनिटी में इतना टाइम नहीं लगाया, जब वो करा सकता है और उसके बाद हम क्यों नहीं करा सकते, और ये क्वेश्चन रेज हुआ है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अब काम करना चाह रही हैं। बाकी जहां पर आपकी बात थी कि क्या हम इधर ही रुक जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, हम इधर नहीं रुकेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई अनाउंसमेंट भी आएगी, और आई विल मेक श्योर कि यार जितनी मिस्टेक हारिस भाई इस इवेंट में हुई हैं वो मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं दोहराई जाएंगी। और द थिंग इज कि यार हम सिर्फ और सिर्फ इस इवेंट से एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे, और हमने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, ठीक है, हमारी चाहे वो स्ट्रीम हो चाहे वो हमारा जो इवेंट हुआ है। बट द थिंग जो मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि यार जितने भी लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, या बी4 ऑफिशियल स्पोर्ट्स पे ट्रस्ट करते हैं, या जितने लोग मेरे साथ इस इवेंट में खड़े थे, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि यार ये जो आपने सपोर्ट दिखाई है ना, इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और जो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आने वाला है ना, वो फुल ऑफ लैन इवेंट्स है ब्रो। हम नहीं रुकने वाले, हमारे नुकसान हुए हमें पता है, हमने जितनी जेबों से पैसे दिए दे दिए, हम नहीं रुकने वाले। दिस इज गुड, दिस इज गुड। हम हाँ, एक लास्ट चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि आप बाहर बैठे होते हैं, आप बाहर बैठ के ना कुछ भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज यार आपको नहीं पता होता अंदर क्या चल रहा होता है, ठीक है। आई हैव फेल्ड माय ऑनलाइन स्टोर बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, ठीक है, और मैंने बहुत बुरा टाइम देखा है इस इवेंट को करवाते हुए, सही है। सो बट द थिंग इज यार
ओनली मैंने हमेशा इसी चीज पे बिलीव रखा है कि यार वो अल्लाह पाक है ना, मैंने जब जब भी मुझे लगता था कि यार इवेंट नहीं होगा, इवेंट नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं बस यही कहता था कि यार देखो मैंने सोच लिया ना, और अल्लाह पाक यही कहता है जिसने नियत कर लिया वो चीज पूरी हो जाएगी, मेरी नियत साफ थी मैंने करवाना था और वो किसी ना किसी तरह हो गया, यकीन करें इट वॉज नॉट पॉसिबल, पता नहीं किस तरह से बहरहाल ये हो गया, और इंशाल्लाह जो इसके बाद जो आउटपुट मिला है और जिस तरह से हमारी अभी स्पॉन्सर्स के साथ मीटिंग चल रही है, मुझे डैम श्योर हूं कि यार जिस तरह का इवेंट नेक्स्ट होने वाला है ना, वो पाकिस्तान में आके जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अभी इस टाइम आ भी चुकी है वो भी नहीं करवा पाएंगी जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करवाने वाले हैं, मैं लिख के बात कर सकता हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल नो डाउट इस बात पे भी, और मैं जो कीबोर्ड वॉरियर्स हमारे रहने वाले हैं जो कि हेट कमेंट्स और इस तरह की बातें फैला रहे होते हैं, नो डाउट यार मैं अपनी भी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करता हूँ कि यार कि मेरे एंड से भी अगर स्ट्रीमिंग की बात कीजिए, कास्टिंग की बात कीजिए, मे बी आई एम नॉट परफेक्ट, बट आपकी एक एक अच्छी बात मतलब कि मुझे मोटिवेट कर सकती है, हमाद भाई जिस तरह बता रहे हैं कि यार कि भी आपका एक मतलब कि भी 100 कमेंट्स के अंदर ना एक 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 गलत बात अगर कोई आप लिख देते हो ना, तो सिर्फ वही हाईलाइट हो रही होती है उस बंदे को कि यार कि भाई ये बंदा क्यों नाराज़ है मुझसे, तो आप मतलब कि भी ये कहें कि यार कि भी गुड लक, यार गुड लक फॉर द नेक्स्ट इवेंट और इंशाल्लाह वो अच्छा होगा, और भाई एज एज ए पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप ये देखो, अगर आप किसी के लिए नफरत फैला रहे हो ठीक है, किसी को आप हेट कर रहे हो, तो वो हेट मुड़ तुड़ के ना कहते हैं ना वापस आपके ऊपर आना है, मतलब कि जब आपके ऊपर वो चीज़ बीतेगी ना आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो मेरे ख्याल से आप हर हर बंदे को अप्रिशिएट करो जो भी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट हमाद भाई, नॉट जस्ट मी। मैं एक आखिरी नाम यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, मेरे ख्याल में मैच का टाइम भी हुआ जाता है, वो ये कि मैं बस शायद इस स्ट्रीम पे बैठे हुए लोग उनको जानते होंगे, वो एक नाम जिस बंदे ने मुझे रोका कि यार मेरा नाम जो है ना कहीं पर नहीं आना चाहिए, किसी तरह से भी नहीं आना चाहिए, और ना उसका नाम आया, सो उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और टिल नाउ वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं क्यों इन जैसे लोगों को इन जैसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ, इसलिए इंस्पायर होता हूँ कि यार ये वो उनकी हरकतें ही ऐसी होती है, वो काम ही ऐसे करते हैं कि वो बंदा हो जाता है इंस्पायर, ठीक है। जैन भाई जी स्पोर्ट्स जो कि सबको पता है कि कैंसर के पेशेंट है और वो सर्वाइव कर रहे हैं, उसे पहले तो यार उनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, और दूसरी बात ये कि थैंक यू सो मच जैन भाई, आपने जो कुछ किया इस इवेंट के लिए मेरे लिए किया, दैट मींस अ लॉट टू मी, बल्कि कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है ये सारा जो इवेंट हुआ है, ये इस इवेंट का होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और दूसरा ये कि ये क्वेश्चन रेज कर गया और इंशाल्लाह अगला साल लैन इवेंट्स का ईयर होने वाला है और बहुत सारे लैन इवेंट्स इंशाल्लाह होने वाले हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह।